राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपने गार्डन का ख्याल भी रख रहे होंगे इस तपती गर्मी में। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे घर में बहुत शुभ होते हैं, उसके साथ साथ उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गर्मियों में इनका ख्याल कैसे रखें, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो मेरा विष्णु कमल है, ये बड़े पॉट में था, मैंने इसको आज ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े आराम से छोटे पॉट में। अच्छा, इनको बचाने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इनको छोटे छोटे इस तरीके के पॉट में लगाएं, जैसे मैंने लगाया है, और इस पॉट को ऐसे प्लेस में रख दें जहाँ पर पेड़ की छाया मिलती है, मतलब पेड़ों के बीच में ये ठंडे रहेंगे। तो घने घने जहाँ प्लांट्स हैं, बस ख्याल ये प्लांट में लगा दिया तो हम इसको पानी नहीं देंगे, क्या करेंगे, ऐसे प्लांटर में रख देंगे जिस प्लांटर में जब हम पानी देंगे तो इसमें ऑलरेडी पानी प्राप्त हो जाएगा, ठंडक प्राप्त हो जाएगी और हमारा ये प्लांट्स बचा रहेगा। तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत कर रहा था ये प्लांट्स, मैंने इसको निकाल के, और इसकी कुछ लीव्स भी मैंने निकालते टाइम झड़ गई थी जो मैंने आराम से इस विष्णु कमल की लगा दी है। अब आ जाते हैं इस लक्ष्मी कमल पे। ये भी एक बड़े प्लांटर में आपको मैंने बुद्धा जी के प्लांटर में दिखाया था, उसमें से कुछ निकाल लिए हैं मैंने और इस तरीके से बचाने की कवायद चालू है। और इसको भी मैंने इसी तरीके से किसी छोटे बड़े प्लांटर में इसको रख देना है और पानी नहीं देना है बिल्कुल भी, और इस बात का ख्याल रखना है इसको नीचे से ही पानी मिलता रहेगा, इसकी मिट्टी ले लेगी। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले। अब देखिए, ये बहुत घना प्लांट है, ये देख रहे हैं, अब इसका प्लांटर आपको दिख ही रहा है नीचे से, ये देखिए। अब इस प्लांटर में मैंने इसको इस तरीके से रख देना है, ये देखिए। तो यहाँ पर ठंडक भी मिलेगी प्लांट्स के बीच में इसको, और पानी भी इसको नीचे से मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें डायरेक्ट ऊपर से इसमें पानी ना दें। तो आपके इस तरीके से प्लांट्स में ये प्लांट्स रखने से, मैंने पिछले साल ऐसे ही करके अपने प्लांट्स बचा लिए थे सैकुलेंट, तो इनको ठंडक मिलती रहेगी तो ये प्लांट्स हमारे यहाँ बने रहेंगे। तो मैंने आपको करके बताया ये छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाने का एक ही मतलब है, ये विष्णु कंवल है और ये लक्ष्मी कंवल। अब आ जाते हैं इस ग्रासोला वाटा पे। ये ग्रासोला वाटा भी हमारे यहाँ कुबेर वृक्ष कहते हैं इसको, और ये भी बहुत शुभ होता है हमारे घर। तो अभी गर्मी हो रही है तो जो भाई बहनों के पास में है ये उनके लिए वीडियो है, जिनके पास नहीं है और वो लाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लाएं, खास करके वो लोग जो लोग नए हैं और उनको इसकी देख रेख बिल्कुल भी नहीं पता है, वो इस गर्मी में तो ना लाएं। ये ग्रासोला वाटा गर्मी में, ये ठंडे एरिया में रहने वाला प्लांट्स है, ये गर्मी में बहुत कम रहता है। तो ये भी मैंने बड़े प्लांटर में लगाता है कछुए के पॉट में, तो मैंने इसको उसमें से निकाल लिया है और इस तरीके से इसमें लगा दिया है। ये सारे कटिंग ही मदर प्लांट था, ये इसका मेन, सबकी कटिंग लगाई थी 3-4 मंथ्स पहले मैंने, और अच्छा कर रही है ये, देखिए। तो अब इनको मैंने ऐसे ही किसी बड़े पॉट में, जिस पॉट में ये आ जाए प्लांट्स के बीचों बीच, मैं वहाँ पर इसको रखने वाली हूँ। बस इनको बचाने की तैयारी है, तो आज मैंने ये इकट्ठे कर लिए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, बहुत शुभ प्लांट है, ऑफिस में, घर में, कहीं भी आप रखें, ये हमारे घर में बहुत ही शुभ होता है। इस तरीके से बहुत अच्छा चल रहा है मेरे यहाँ, ये मिट्टी में भी लगा रखा है मैंने और पानी में। इसका नाम है लकी बैम्बो। अब आ जाते हैं ये जेट प्लांट पर। ये जेट प्लांट मैंने, ये देखी, एक बोनसाई बनाने की कोशिश करी है, काफ़ी अच्छी चल रही है, ये देखिए एक वृक्ष जैसा हो चुका है ये, ये देखिए। तो ये प्लांट्स भी आप जैसे मर्जी लगाएं, हर एक आकार में ढल जाता है, बहुत शुभ प्लांट है, जेड प्लांट है ये, और इसको आप किसी भी तरीके से छोटे बड़े जैसे मर्जी पॉट में लगाएं, बहुत खूबसूरती से चलता है। तो जो भी भाई बहन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, वो हम सभी चाहेंगे गार्डनिंग के साथ साथ कुछ प्लांट हमारे यहाँ ऐसे आ जाए जो बहुत शुभ माने जाते हैं और घर में लगाने में खूबसूरत भी लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ, वैसे तो कुछ प्लांट और हैं, अभी उनको भी बताने और दिखाने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप थोड़ी सी अच्छा प्लेस दें, ठंडा प्लेस दें, बहुत ही अच्छा करते हैं ये प्लांट्स,
और मेरे यहाँ चल भी रहे हैं और आँखों को बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमारे घर में कंटिन्यू होते रहते हैं, तो मज़ा आता है उन्हें देखकर। तो मेरे यहाँ अच्छी क्वांटिटी में ये सारे ही प्लांट हो रहे हैं। मैंने अलग अलग, मुझे कटिंग से लगाने का बहुत शौक है, तो इस तरीके से मैंने कटिंग से काफ़ी जगह लगा रखा है इन्हें, और कहीं ना कहीं इन प्लांट्स को लगाते रहें। ये कई मटकियों में भी लगा रखे, मैंने आपको शेयर भी करा था, तो मटकियों में भी बहुत अच्छा चल रहा है। बचाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप जाकर, बहुत अच्छा चल रहा है उसमें भी। तो मैंने काफ़ी सारी मटकियाँ भी ऐसे रेडी करी हैं इनको एक एक फूल लगा करके, और ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। विष्णु कमल बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है मेरे यहाँ पर, बहुत प्यारा प्लांट है। आप भी ला के लगाएँ, पर गर्मियों में बिल्कुल भी ना लाएँ, अब बरसात में लाएँ फिर भी, और वाटरिंग से बचाएँ। गर्मियों में बचाना होता है और बरसात में बचाना होता है। सर्दियों में तो ये अच्छा करते हैं गाइज, और सभी लोग ला के लगा लेते हैं, पर इनको कंटिन्यू अपने घर में चलाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपको कि इनको छोटे पॉट में लगाएँ और पॉट में प्लांट्स के बीच में रख दें, जहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस हो, मतलब घने प्लांट हो वहाँ रखें। बस पानी देने का तरीका ये रखें कि नीचे वाले पॉट में देंगे, जिस पॉट में इसको रखा है, तो इसकी मिट्टी ड्रेनेज सिस्टम से अपने आप ले लेगी, और इसमें डायरेक्ट पानी ऊपर से ना डालें इन प्लांट्स में, तो ये आपके यहाँ अच्छा करेंगे, आपको मतलब नर्सरी से जाके लाने नहीं पड़ेंगे गाइस। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भाई बहन मेरे यहाँ पहली बार हैं उनसे कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक मेरे इस वीडियो को एंजॉय करें। बाय फ्रेंड्स।